आज हम ये यमी गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। गार्लिक ब्रेड का डो बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ मैदा, हाफ आटा, जितना भी आप क्वांटिटी ले रहे हैं। मैंने 1 कप की क्वांटिटी ली है, तो मैंने हाफ मैदा लिया है, हाफ आटा लिया है, व्हीट फ्लावर लिया है। इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और चॉप्ड गार्लिक डालेंगे। चॉपर में आप उसको चॉप कर लेंगे। 6 to 7 गार्लिक्स का पेस्ट आपको इसमें डालना है। जितना ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा, कम नहीं डालना है। 3 से 4 टेबलस्पून उसमें हम कर्ड डाल लेंगे, दही डाल लेंगे। अब डालेंगे ऑरिगेनो पाउडर। मैं यूज़ करती हूँ ये पिज़्ज़ा ऑरिगेनो, जो केओ ब्रांड का है, काफ़ी अच्छा है। और अच्छे से डाल लेंगे इसको, अराउंड 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ऑरिगेनो पाउडर जो था मेरा उसमें भी सॉल्ट था। अगर आपके ऑरिगेनो पाउडर में सॉल्ट नहीं है तो आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें पहले घी डालेंगे और फिर जितना पानी रिक्वायर्ड है उतना पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छे से डो नीड कर लेंगे। और इसमें 1 स्पून घी या ऑयल डाल लेंगे आप। तो हमारा डो हो गया है रेडी। इसको थोड़ा सा गीला हाथ लगा के, या चिकना हाथ भी लगा सकते हैं आप, मैं पानी का ही दे रही हूँ, हल्का सा ऊपर लगा के। और इसको 15 मिनट के लिए हमें रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। सॉफ्ट आटा है देखिए, और 15 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे हम, कवर करके। गीले कपड़े से भी कवर करके रख सकते हैं आप और नॉर्मली भी इसको ढक के रख सकते हैं। तो 15 मिनट्स हो चुके हैं हमारे आटे को रेस्ट करते हुए, हमारे डो को रेस्ट करते हुए। और इसको दोबारा से मैंने एक बार नीड कर लिया था, फिर से कर लेते हैं। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मैदा डस्ट करके उस पर हम रोल कर लेंगे। इस पर हमने थोड़ा मैदा डस्ट कर लिया है और अपना डो इस पर रख के हम इसको बेल लेंगे। थोड़ी मोटी चपाती की तरह हमें इसको बेलना है। हाफ ब्रेड पे लगा दूंगी मैं इसको। कॉर्नर से थोड़ा छोड़ देंगे ताकि हमारी ब्रेड जो है वो हम उसको जोड़ पाएं, आपस में बंद कर पाएं। और जैसा आप चीज बर्स्ट खाते हैं वैसे लिक्विड चीज की तरह ये टेस्ट देगा आपको। और इसको अब हम कर लेंगे फोल्ड। और इसको क्लोज कर लेंगे प्रेस करके यहाँ से आपस में अच्छी तरीके से, ताकि ये लॉक हो जाए। अब हम इसको अपनी ट्रे पे लेके जाते हैं। अब हम अपनी बेकिंग ट्रे लेके उसको घी से कर लेंगे ग्रीस और मैदा कर लेंगे स्प्रिंकल उस पर हल्का हल्का, अच्छे से कवर कर लेंगे। अब उस पर अपनी गार्लिक ब्रेड रख देंगे हम और घी से ऊपर से कोट कर देंगे हल्का हल्का। अगर आप चाहें तो आप मिल्क से भी कर सकते हैं उसको कोट, मैं घी से कर रही हूँ। वन एटी डिग्री पे हम इसको 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। बीच में आप चेक भी कर सकते हैं कि कैसे बेक हुई है। और हल्के हल्के इस पे कट्स लगा लेंगे, पूरा नहीं काटना है, सिर्फ एक हल्का सा इम्प्रेशन देना है नाइफ से, कट नहीं करना है इसको, और फिर बेक करेंगे। तो हमारी गार्लिक ब्रेड हो गई है रेडी। और साथ में मैंने बनाई है 2 डिप, एक 1000 आइलैंड वाले टेस्ट की स्वीट थोड़ी सी क्रीमी और एक स्पाइसी। ये स्पाइसी वाली आप सेजवान सॉस को मेयोनीज में मेयो में मिक्स करके बना सकते हैं, और ये मेयो में कैचअप मिक्स करके बना सकते हैं, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल सकते हैं आप फ्लेवर के लिए। एंड एंजॉय कीजिए। मैंने कट करके भी आपको अपनी ब्रेड दिखा दी है, देखिए कितनी चीज़ी है, अंदर से अच्छे से बेक हो गई है। और आई होप यू लाइक द रेसिपी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कॉमेंट एंड शेयर। थैंक यू।